नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। बता दें कि समुद्र के बारे में आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि समुद्र के रहस्य वाकई क्या है। हमारे पृथ्वी पर मौजूद कई ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक वैज्ञानिकों ने पर्दाफाश तक नहीं कर पाया है। आइए उन रहस्यों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जो पाँच महासागर हैं उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के उत्तर में एक क्षेत्र स्थित है, उसे कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। कई साइंटिस्टों का दावा है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी अधिक है और वहां पर जो भी जहाज या जो भी शिप जाते हैं वो वहां से लापता हो जाते हैं। कई लोगों का तो यह मानना है कि वहां पर एलियंस भी मौजूद हैं, लेकिन ये तो बात का विषय है। लेकिन जो साइंटिस्ट दावा करते हैं कि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का लेवल है वो काफी अधिक है, जिसके वजह से जितने भी जहाज वहां जाते हैं अपना रडार और संतुलन खो बैठते हैं, उसके बाद से वो जहाज वहां से विलुप्त हो जाते हैं। आइए इस संदर्भ में एक वाक्य काफी प्रचलित है। बात है लगभग सन 1977 की। एक अमेरिकी जहाज वहां से गुजर रहा था। उस जहाज में दो पायलट मौजूद थे। जब वो दोनों पायलट उत्तरी अटलांटिक सागर से गुजर रहे थे तभी उनका रडार से कनेक्शन टूट गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या। आखिर सब कुछ कुछ देर पहले तक ठीक था, लेकिन अचानक से रडार से कनेक्शन कैसे टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे वो डेविल्स ट्रायंगल जो इलाका है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद ही वो अपना बिल्कुल ही संतुलन खो बैठते हैं और वह जहाज़ कहाँ लापता होता है पता भी नहीं चलता। उसके बाद फिलहाल उस समय अमेरिकी की टीम भी गठन की गई थी इस संदर्भ में जाँच करने के लिए, लेकिन आज तक इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। हालांकि जो वॉकी टॉकी पे जो उससे पहले की जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी उसको क्लियर तौर पे सुनने से ये पता चल रहा था कि जो पायलट था उसने बताया कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनका जहाज एक गहरे खाई की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद तभी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उनका जहाज लापता हो जाता है। इस संदर्भ में कई साइंटिस्ट वहाँ गए भी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उनके भी मन में एक डर का माहौल बना रहा। जब वहाँ कई और साइंटिस्ट और कई और जहाज़ वहाँ जाने की कोशिश की तो वो भी वहाँ से लापता हो गए और आज तक वो जहाज़ नहीं मिल पाए हैं। दरअसल जो 1972 में जो जहाज़ लापता हुआ था कुछ वर्ष पहले ही अमेरिका द्वारा उसकी फुटेज भी मिली और साफ तौर पे वो जो धरातल की बिल्कुल निचले हिस्से पे वो जहाज़ मौजूद थी उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। लेकिन वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ एलियंस या कुछ ऐसे चीज़ मौजूद हैं जो कि अलग तरह की दुनिया में रहते हैं। इस वीडियो के बारे में हमारे दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।